न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। मासूम बच्ची के साथ बाथरूम में पड़ोसी युवक ने किया रेप, गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में पड़ोसी युवक ने एक 8 साल की बच्ची को बहला फुसला कर अपने घर ले गया। आरोप है कि इसके बाद बाथरूम में उसके साथ दरिंदगी की गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के एक मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है, जिसमें एक पड़ोसी युवक ने एक 8 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद बच्ची के परिजनों द्वारा घटना की शिकायत थाने में की गई। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया है और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के रामपुरी मोहल्ले का है, जहां शनिवार को आरिफ नाम का एक युवक पड़ोस में रहने वाली 8 साल की मासूम बच्ची को उसके घर से बहला फुसला कर अपने घर ले आया, जहां उसने बाथरूम में मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे डाला। घटना को अंजाम देकर आरोपी युवक मासूम बच्ची को बदहवास घायल हालत में रोते बिलखते हुए उसके घर छोड़कर मौके से फरार हो गया। जानकारी मिलने पर पीड़िता के परिजनों ने घटना की शिकायत पुलिस को की, जिस पर पुलिस ने तुरंत इस मामले में पीड़ित मासूम को मेडिकल के लिए भिजवा कर इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में जानकारी देते हुए सीओ सिटी कुलदीप कुमार सिन्हा ने बताया कि आज नगर कोतवाली क्षेत्र के रामपुरी मोहल्ले में एक घटना घटी है, जिसमें 8 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस मामले में सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत मासूम बच्ची को मेडिकल और ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची की हालत फिलहाल सामान्य है और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मासूम बच्ची के पड़ोस का ही एक युवक आरिफ है, जो कि आज बहला फुसला कर मासूम बच्ची को उसके घर से अपने घर लेकर आया और उसके साथ बाथरूम में दुष्कर्म किया, जिसके बाद मासूम को घायल अवस्था में उसके घर छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर में पड़ोसी युवक ने एक 8 साल की बच्ची को बहला फुसला कर अपने घर ले गया। आरोप है कि इसके बाद बाथरूम में उसके साथ दरिंदगी की। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है, जिसमें एक पड़ोसी युवक ने एक 8 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद बच्ची के परिजनों द्वारा घटना की शिकायत थाने में की गई। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया है और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के रामपुरी मोहल्ले का है, जहां शनिवार को आरिफ नाम का एक युवक पड़ोस में रहने वाली एक 8 साल की मासूम बच्ची को उसके घर से बहला फुसला कर अपने घर ले आया, जहां उसने बाथरूम में मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे डाला। घटना को अंजाम देकर आरोपी युवक मासूम बच्ची को बदहवास घायल हालत में रोते बिलखते हुए उसके घर छोड़कर मौके से फरार हो गया। जानकारी मिलने पर पीड़िता के परिजनों ने घटना की शिकायत पुलिस को की, जिस पर पुलिस ने तुरंत इस मामले में पीड़ित मासूम को मेडिकल के लिए भिजवा कर इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में जानकारी देते हुए सीओ सिटी कुलदीप कुमार सिंह ने बताया कि आज नगर कोतवाली क्षेत्र के रामपुरी मोहल्ले में एक घटना घटी है, जिसमें 8 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस मामले में सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत मासूम बच्ची को मेडिकल और ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची की हालत फिलहाल सामान्य है और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मासूम बच्ची के पड़ोस का ही एक युवक आरिफ है, जो कि आज बहला फुसला कर मासूम बच्ची को उसके घर से अपने घर लेकर आया और उसके साथ बाथरूम में दुष्कर्म किया। इसके बाद मासूम को घायल अवस्था में उसके घर छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें।
इंस्टा लिंक ट्विटर हाई कुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS News के साथ। नमस्कार।